वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी जो हमने सीरीज चलाई थी उसमें आपका फिर से एक बार स्वागत है, जहाँ पे हम इंडियन पॉलिटी को पढ़ चुके हैं। अभी तक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा, प्रीएम्बल हमने पढ़ा, कुछ सेलियंट फीचर्स जानने की कोशिश की। देन उसके बाद हमने पार्ट वन को हमने समझने की कोशिश की, स्टेट के फॉर्मेशन देखे कि कैसे कैसे हमारे स्टेट इवॉल्व हुए। उसके बाद पार्ट टू में हमने सिटीजनशिप को समझने की कोशिश की और उससे एसोसिएटेड जितने भी करंट इश्यूज थे वो सब हमने जानने की कोशिश की। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाएं, फंडामेंटल राइट्स में जाएं। उससे पहले हमें कुछ एक बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत है ताकि हम उसको और अच्छे से समझ पाएँ, अगले पार्ट को हम और अच्छे से समझ पाएँ। क्या है वो बेसिक चीज़ें? सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा कि मेजॉरिटी कितने टाइप की होती है, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे कर सकते हैं। ये दो तीन चीज़ें हैं, तीनों आपस में एसोसिएटेड हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको अमेंड करने के लिए क्या मेजॉरिटी चाहिए, कितना हम अमेंड कर सकते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर उसमें कैसे रुकावट पैदा करता है। तो ये तीनों चीज़ें हम पहले समझेंगे, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स पे जाएंगे और इसी में हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब बेसिक स्ट्रक्चर को हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा जो इवॉल्व हुआ है ये क्या हुआ है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इशू क्या है, क्या इशू है, किन किन के बीच में लड़ाई हो रही है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें समझ में आनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? तो ये क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसके ऊपर कोई और लॉ नहीं है, सबसे बड़ा लॉ हमारे लिए क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबको पावर कहाँ से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। सब कुछ इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। तो सब कुछ जो भी चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से चल रहा है। तो ये हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। इसमें दो आर्टिकल है, पहला आर्टिकल आपका आर्टिकल 13 है और दूसरा आर्टिकल आर्टिकल 368 है। ये दोनों क्या है, पहले हम इन दोनों को समझते हैं, फिर हमें समझ में आएगा इशू क्या है। कि आर्टिकल 13 बोलता है एनीथिंग मतलब कि एनी लॉ, एनी ऑर्डर, एनी एक्शन या कोई अमेंडमेंट, यानी कुछ भी चीज, कोई भी आप लीगली कोई चीज लेके आ रहे हो, वो अगर वायलेट करती है, किसको वायलेट करती है? वायलेट करती है, एब्रिज करती है, कॉन्ट्रावीन करती है, किसको? पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट थ्री क्या है? पार्ट थ्री हमारे फंडामेंटल राइट है। पार्ट थ्री क्या है? फंडामेंटल राइट है, यानी कि कोई भी लॉ, कोई भी एक्शन, कोई भी ऑर्डर अगर आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, फंडामेंटल राइट को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? नल एंड वॉइड। और कौन करेगा उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर? तो हमें पता लगेगा कि ये पावर हमने सुप्रीम कोर्ट को दी हुई है, कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे लॉज को जो भी पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे। इसी से पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को, अगर हम देखें तो इसी से पावर मिलती है जुडिशियल रिव्यू की। ये भी हम समझेंगे डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू की, कि कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डर, क्या कोई भी एक्शन लिया जाता है उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है रिव्यू के लिए, ताकि जुडिशियली उसका रिव्यू किया जा सके कि वो पार्ट थ्री को तो वायलेट नहीं कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को किसी तरीके से वायलेट तो नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें तो जुडिशियल रिव्यू किस चीज़ के लिए है? हमारे पार्ट थ्री के लिए, यानी कि फंडामेंटल राइट के लिए, कि फंडामेंटल राइट को कोई भी चीज़ तोड़ेगी, कोई भी अमेंडमेंट अगर उसको वायलेट करेगा, कोई भी अमेंडमेंट इसके खिलाफ जाएगा, कोई भी एक्शन इसके खिलाफ जाएगा फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा बाय सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 13 क्लियर है कि आर्टिकल 13 क्या है? अब आर्टिकल 368 पढ़ते हैं। आर्टिकल 368 बोलता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि
एनी पार्ट में तो पार्ट थ्री भी आ गया, तो पार्ट थ्री को भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर आपने पार्ट थ्री को चेंज किया तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, पार्ट थ्री को अमेंड किया तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं आपस में। आर्टिकल 368 बोलता है कुछ भी करो, आर्टिकल 13 बोलता है कि हमें मत छेड़ो। तो इन दोनों में आपस में लड़ाई तो होनी है, दोनों में लड़ाई होनी है। तो यही दोनों लड़ाई चलेगी, और इसी लड़ाई को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा रूप दूं तो आपको समझ में आएगा कि ये लड़ाई आर्टिकल 13 में अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है, आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देती है। तो ये लड़ाई किसकी हो गई? तो लड़ाई हो गई हमारी सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट। ये इसको भी हम ये भी कह सकते हैं, पहला है आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368, और इसी को बड़े रूप में समझें तो लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की, कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है कि पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है। क्या पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड करे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, या सुप्रीम कोर्ट हर एक चीज पर रोक लगा सकता है जो भी पार्लियामेंट करे? तो इस चीज की लड़ाई चली है, और ये लड़ाई कहां से शुरू होती है और कहां तक खत्म होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब किया गया था? 1951 में। क्यों किया गया था? अगर आपको समझने की कोशिश करो तो ये किया गया था लैंड लॉज को अमेंड करने के लिए। किसके लिए? बेसिकली अगर हम कहें, और भी बहुत सारी चीजें इसमें अमेंड की थी, लेकिन बेसिकली अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों किया गया था? तो ये किया गया था हमारा लैंड लॉज को अमेंड करने के लिए, जितने भी लैंड से रिलेटेड लॉज हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने देखा हो तो हमारे फंडामेंटल राइट में हमें एक राइट दिया जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा राइट दिया जाता है? राइट टू प्रॉपर्टी। तो वो राइट टू प्रॉपर्टी क्या बोलता है? कि आपसे आपकी जमीन कोई नहीं छीन सकता बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी इजाजत के। लेकिन जब हम आजाद हुए हैं तो उस टाइम पे सरकार को जमीन की आवश्यकता है, क्योंकि उस टाइम पे गरीब देश है, हमें अपने देश में इंडस्ट्री सेटअप करनी, और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जमीन कहाँ से लाएंगे? तो जमीन लोगों से लेनी पड़ेगी। लोगों को आपने राइट दे दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी, वो जमीन देंगे नहीं तो क्या होगा? क्या हम देश का डेवलपमेंट रोक दें? नहीं, सरकार तो चाहेगी कि डेवलपमेंट ना रुके। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमें थोड़ा सा फंडामेंटल राइट में चेंज करना पड़ेगा, और वहीं पे आर्टिकल 31 जो हमें राइट टू प्रॉपर्टी देता है, वहीं पे आर्टिकल 31A डाला, 31B डाला और 9th शेड्यूल डाल दिया। ये तीन चीज हमने अमेंड कर दी, जहां पे अगर हम कहें तो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज हमने चेंज कर दी, कि अब सरकार चाहे तो जमीन ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। यहाँ पे चीज बोली है, और एक 9th शेड्यूल डाल दिया। अब 9th शेड्यूल क्या है? 9th शेड्यूल आपको आर्टिकल 13 से बचाता है। किससे बचाता है? आर्टिकल 13 से बचाता है। कैसे बचाता है? कि कोई भी चीज, शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल्स हमने पढ़े थे, शेड्यूल्स लिस्ट है। तो 9th शेड्यूल क्या है? ऐसे सब अमेंडमेंट्स के लिस्ट कि इसके अंदर, ये हमने क्या बोला कि ये 9th शेड्यूल है, इसके अंदर आपने जो भी डाल दिया इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट नजर नहीं डाल सकता। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक पर्दा डाल दिया कुछ एक क्लॉज के ऊपर, कि इसके अंदर आप कोई भी लिस्ट में डाल दो, इस लिस्ट में किसी का भी नाम ऐड कर दो, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नजर नहीं डालेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता। तो यानी कि आप पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करे वो इसमें डाल दे 9th शेड्यूल में, तो ये सुप्रीम कोर्ट की आंखों से बचा रहेगा, सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू नहीं कर पाएगा। तो 9th शेड्यूल में ऐसा कुछ लिखा, तो यहाँ पे क्या हुआ? हमने पार्लियामेंट को थोड़ी सी अपने आप को ऊपर रखने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर करने के लिए अपने आप को ज्यादा पावर दे दी, 9th शेड्यूल किया, राइट टू प्रॉपर्टी में छेड़खानी की। किसी को तो गुस्सा आना था, किसको आया? तो हम देखेंगे तो 1951 में ही शंकरी प्रसाद केस, कोई एक बंदा जिसकी जमीन छीनी जाएगी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी हुआ है वो, हम कहेंगे वायलेट हुआ है। तो राइट टू प्रॉपर्टी बचाने के लिए हम कहेंगे कि एक किसी ने अप्रोच की सुप्रीम कोर्ट में, तो उस केस का नाम होगा शंकरी प्रसाद केस। एक चीज आप ध्यान रखना इसमें कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई केस जाता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केस है, तो मिनिमम 5 जजेस बैठेंगे उसकी सुनवाई के लिए। कितने जज बैठेंगे? मिनिमम 5 जजेस, और जितने जज बैठे होते हैं उसको उतने ही जज बेंच के नाम से बोला जाता है। तो 5 जजेस है तो इसको हम क्या बोलेंगे?
फाइव जजेस बेंच। तो मिनिमम फाइव जजेस चाहिए है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड किसी भी चीज के ऊपर सुनवाई के लिए। तो मिनिमम फाइव जजेस बेंच है, शंकरी प्रसाद आएगा, शंकरी प्रसाद केस आएगा। और इस टाइम पे जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा तो गवर्नमेंट बोलेगी जमीन तो हमें चाहिए, जमीन तो हमें चाहिए, डेवलपमेंट कहाँ से करें। तो सुप्रीम कोर्ट लगेगा बात तो सही है गवर्नमेंट की। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा कि इन्होंने जो अमेंड किए हैं, यानी कि पार्लियामेंट चाहे तो इसको अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को, क्योंकि देश के भले की सोच रही है। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आर्टिकल 368 को थोड़ी सी ज्यादा पावर मिल गई है 13 से। 368 क्या बोलता है, अमेंड करो, 13 बोला है हमें मत अमेंड करो, ठीक है। तो यहाँ पे किसको ज्यादा पावर मिली, 368 को ज्यादा पावर मिली है, और इसी 368 को पावर मिली है तो यहाँ पे कहाँ से मिली, शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया अब तो कि भाई पार्लियामेंट आप चाहो तो अमेंड करो, यानी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। अब पार्लियामेंट वाले कहाँ रुकेंगे, उन्होंने फिर से थोड़ा सा अमेंडमेंट किया। तो 1964 तक आते आते 17th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उसमें उन्होंने फिर से आर्टिकल 31 में कुछ अमेंडमेंट कर दिया, आर्टिकल 31 में कुछ अमेंडमेंट कर दिया। यहाँ पे एस्टेट वर्ड जोड़ा गया बेसिकली। अगर आप डीप में जाएंगे तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि यही लेक्चर हम लेने लग जाएं तो करीबन 2-2.5 घंटे का हो जाएगा। इसी को ब्रीफ में समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे फिर से राइट टू प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी हुई, और फिर किसी का गुस्सा उठेगा, और वो कहाँ पहुँचेगा, सुप्रीम कोर्ट में। और हम देखेंगे कि कौन सा केस होता है, सज्जन सिंह केस होता है। कौन सा केस होता है, सज्जन सिंह केस होता है। और इस सज्जन सिंह केस में भी गवर्नमेंट अपनी दलील रखेगी कि हमने देश की भलाई के लिए किया, और सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा, बोलेगा ठीक है कि तुमने जो किया है वो तुमने सही किया है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, जो पार्लियामेंट ने किया है सही किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लियामेंट का अमेंडमेंट है उसे ओके बोल दिया कि ये किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट नहीं करता। तो यहाँ पे फिर से और ज़्यादा पावर मिल गई 368 को 13 के ऊपर, या फिर ये कहें कि पार्लियामेंट को और ज़्यादा पावर दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कि हम नहीं देखेंगे तुम करते रहो। अब होगा क्या, सज्जन सिंह केस तो हुआ लेकिन इसी के खिलाफ फिर से अपील कर देते हैं। सज्जन सिंह केस के खिलाफ फिर से अपील होती है, और उस केस को बोला जाता है गोलकनाथ केस। कौन सी है, 1967 में। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब किसी चीज के ऊपर एक बेंच ने सुनवाई कर दी, अगर उसी चीज के ऊपर अपील करनी है तो उसके ऊपर सुनवाई करने के लिए उससे हायर बेंच चाहिए, यानी कि ज्यादा जज चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं हमेशा ऑड नंबर्स में बैठते, तो 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 जज बेंच आएगा, 9 के बाद 11 जज बेंच आएगा, फिर 13 जज बेंच आएगा, 15 जज बेंच आएगा, ऐसे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1967 में गोलकनाथ केस होता है, और ये हम देखें तो 11 जज बेंच थी। इतने सारे जजेस एक साथ बैठ रहे हैं एक चीज को सुनने के लिए। 11 जजेस बेंच है, गोलकनाथ केस है, अपील हो रही है सज्जन सिंह केस के खिलाफ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि आर्टिकल 368 कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। क्या बोलेंगे, पहली बार सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आर्टिकल 368 कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, यानी कि आर्टिकल 13 इज सुपीरियर देन 368, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कैन सेव फ्रॉम पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट की पावर ज्यादा है, यहाँ पे रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की लड़ाई चल रही है, आर्टिकल 13 और 68 की लड़ाई चल रही है। बेसिकली शुरुआत होती है हमारी 13 और 368 से, लेकिन लड़ाई दोनों आपस में बदल जाती है कि कैसे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी में बदल जाती है। तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे आर्टिकल 368 कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट कब बोला गया, गोलकनाथ केस में 1967 में गोलकनाथ केस में बोला गया है आर्टिकल 368 यानी कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को नहीं छेड़ सकते। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल राइट को इसने बोला दे आर बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन आता है कि बेसिक पार्ट पहली बार किस केस में वर्ड यूज किया गया था। ध्यान रखना मैं बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बेसिक पार्ट,
बेसिक पार्ट और बेसिक स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड नहीं आया, तो बेसिक पार्ट कहाँ पे बोला गया? गोलकनाथ केस में क्या बोला गया? फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भी बेसिक पार्ट है उसको पार्लियामेंट जो है चेंज नहीं कर सकती है। तो कहाँ पे आया बेसिक पार्ट का कॉन्सेप्ट? हम हमारा इवॉल्व हुआ है, क्या है कि बेसिक पार्ट है उसे मत चेंज करो। तो बेसिक पार्ट गोलकनाथ केस, ध्यान रखना कब? 1967। अब आपको देखेंगे कि आपका इंदिरा गांधी जी का टाइम है और इंदिरा गांधी जी का टाइम आने वाले, इंदिरा गांधी जी को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि कैसे सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की पावर को कैसे कम कर सकते हैं। इंदिरा गांधी जी को ये पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, वो एक और अमेंडमेंट लेके आ गए। कौन सा अमेंडमेंट लेके आए? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गए, एक और अमेंडमेंट लेके आ गए 24th। और उसमें उन्होंने बोला कि अब क्या किया उन्होंने, आर्टिकल 13 को ही चेंज कर दिया। आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रहा था जुडिशियल रिव्यू की, उन्होंने आर्टिकल 13 को ही चेंज कर दिया और उन्होंने बोला कि नथिंग इन आर्टिकल 13 कैन अफेक्ट आर्टिकल 368। क्या बोला? कि आर्टिकल 13 में ऐसा कुछ नहीं है जो कि 368 को अफेक्ट कर सके। यानी कि इन्होंने बोला कि कोई भी अमेंडमेंट, यानी कि अगर इसको समझने की कोशिश करें कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये क्या नहीं है, ये लॉ नहीं है और आप सिर्फ लॉ को रिव्यू कर सकते हो। अमेंडमेंट को इन्होंने बोला कि अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ। तो इसीलिए आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पार्लियामेंट ने क्या बोला? पार्लियामेंट बोला हम ऊपर हैं, सुप्रीम कोर्ट तुम नीचे हो। अब लड़ाई पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की हो गई है जो 13 और 368 की थी। पार्लियामेंट ने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट तुम हमें नहीं छेड़ सकते, आर्टिकल 13 को अब नीचे कर दिया। किस क्या किया इसने? 368 इज मोर पावरफुल देन आर्टिकल 13। 13 को ही अमेंड कर दिया इंदिरा गांधी ने कि अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बेसिकली हम कहें कि नथिंग इन आर्टिकल 13 कैन अफेक्ट आर्टिकल 368, कि आर्टिकल 368 कुछ भी करे आर्टिकल 13 उसमें कुछ नहीं कर सकता। अब होगा क्या जब ऐसी चीजें होंगी? फिर से उसके ऊपर रिव्यू आएगा, अपील डाली जाएगी, फिर से अपील डाली गई। जब ये 24th आया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कि ये दिखा कि ये तो सरासर अन्याय हो रहा है, सरासर बोला जा रहा है कि फंडामेंटल राइट को तोड़ो, हाँ तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर से अपील होगी। और 1973 में ये डेट, ये ध्यान रखना 1973 ईयर भी इम्पॉर्टेंट है और इस केस की डेट भी इम्पॉर्टेंट है। केशवानंदा भारती केस होता है। कौन सा? केशवानंदा भारती केस। और इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2020 में इसी केशवानंदा भारती की डेथ भी हो जाती है, तो इसीलिए इस बार के एग्जाम के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 1973 में केशवानंदा भारती केस होता है और ये देखेंगे कि 13 जज बेंच बनी थी और ये 13 जज बेंच इससे पहले ना कभी बनी थी और ना उसके बाद। अगर हम देखें अभी रिसेंटली तक इसका, हम देखते हैं कि इतनी बड़ी बेंच हमें नहीं दिखाई देती। तो 13 जज बेंच, केशवानंदा भारती केस, इतनी बड़ी बेंच। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि जो डिसीजन आया था वो स्प्लिट डिसीजन था, उससे एसोसिएटेड जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उससे एसोसिएटेड भी कई सारी चीज़ें हमें दिखाई देने की कोशिश करेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सिलेक्शन पे भी इससे इफेक्ट पड़ा, वो हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि कैसे केशवानंदा भारती केस 1973, ये अपना डिसीजन देता है 13 जजेस बेंच, ये डिसीजन आता है 7:6 से, 7 एक साइड 6 एक साइड, 7 और 6 का इतना क्लोज कंपटीशन था। तो यहाँ पे केशवानंदा भारती केस, ठीक है, इसने क्या बोला, इसने जो बोला उससे पहले इस डिसीजन के बाद जो नेक्स्ट डे जो न्यूज में हेडलाइन पड़ी थी आप उसी को देख के समझ जाएंगे कि कितना बड़ा डिसीजन था। अगले दिन जिस दिन ये आया था, किस दिन आया था, तो 24th अप्रैल 1973। जो भी पॉलिटी पढ़ता है उसे डेट जो है रटी हुई होनी चाहिए। 24th अप्रैल 1973, इसी दिन सचिन तेंदुलकर का भी जन्म हुआ। तो 24th अप्रैल 1973 केशवानंदा भारती केस, नेक्स्ट डे न्यूज लाइन में, हेडलाइन न्यूज में, बड़े बड़े अक्षरों में, फ्रंट लाइन में छपता है द केस दैट सेव्ड
डेमोक्रेसी, कि वो केस जिसने डेमोक्रेसी को बचाया। कैसे? यहां पे साफ साफ इसमें बोला गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट टच बेसिक स्ट्रक्चर। यहां पे बोला गया कि आर्टिकल 368 है, एट हैज इनॉर्मस पावर्स, इसके पास बहुत सारी पावर है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकता है। बिल्कुल, इन्होंने माना, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया इस बात को कि 368 चाहे तो कुछ भी अमेंड कर सकता है, लेकिन उसने बोला कि वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकता। क्या नहीं चेंज कर सकता? बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकता। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने समझाने की कोशिश की। जब इनके बीच में बात हुई कि आप तो बोल रहे हो कि आप ये चेंज करना चाहते हो, भलाई के लिए चेंज करना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। इंदिरा गांधी ने बोला कि हम भलाई के लिए चेंज कर रहे हैं, बोले कोई बात नहीं, मान लिया। आप बोल रहे हो कि पार्लियामेंट के पास पावर होनी चाहिए कुछ भी चेंज करने की 368 के अंडर, तो सुप्रीम कोर्ट बोल रही ठीक, हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं आपके मन में अच्छे भाव हैं, आप अच्छे काम करना चाहते हो देश के लिए, इसलिए पावर मांग रहे हो। आपके बाद जो आएगा प्राइम मिनिस्टर, मान लो अगर हमने आपको ये पावर दे दी कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज करो, आपके बाद आने वाला प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि इसके अंदर मुझे डेमोक्रेसी वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको चेंज करके मोनार्की करना चाहता हूँ, यानी कि देश से डेमोक्रेसी खत्म करके राजशाही, यहाँ पे फिर से राजतंत्र आने वाला है, तो अगर पार्लियामेंट को ये पावर देती तो पार्लियामेंट चेंज कर देगा। अगर पार्लियामेंट बोले कि हमें यहाँ पे इलेक्शन अच्छे नहीं लग रहे, हम इलेक्शन नहीं चाहते, आप तो पूरी उम्र यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी रह जाओगी, फिर लोग क्या करेंगे, उनको जो वोटिंग पावर दी है उसका क्या होगा? ऐसे ही बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस हुई, तो समझ में आया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक पार्ट है, अगर वो चेंज हो जाता है तो पूरे इंडिया पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे डेमोक्रेसी मैंने एक वर्ड बताया, जैसे इलेक्शंस मैंने वर्ड बताया, तो इनमें अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसको इसने बोला कि वो बेसिक स्ट्रक्चर, कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर वो है जिस थिंकिंग के साथ हमारे जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, फोर फादर्स जो हैं, जिन्होंने जिस सोच को लेके इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, वो सोच हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है। वो सोच हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है कि जिस सोच के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जिन भावों के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो भाव, वो सोच, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। आप उस सोच को नहीं बदल सकते, आप उस भाव को नहीं बदल सकते। तो इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उन भाव को दर्शाते हैं, उनकी सोच को दर्शाते हैं, तो आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू एवरी लॉ, एवरी ऑर्डर, एवरी एक्शन जो भी आप 368 में कर रहे हो। तो यानी कि 13 को बहुत ज्यादा पावर मिल गई अब 368 के आगे, सुप्रीम कोर्ट ऊपर हो गया। इसी चीज को अगर हम देखें तो इस इमेज के हिसाब से समझने की कोशिश करें, तो अभी तक जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है, 1961 में शंकरी प्रसाद केस, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, 1965 सज्जन सिंह केस, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, लेकिन उसके बाद आता है गोलकनाथ केस 1967, यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे बोला जाता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट कैनॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। अब उसी के बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिखाई देगा, जहाँ पे आर्टिकल 13 में अमेंड किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, इसीलिए पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट ऑल्सो, क्योंकि अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, उससे आप 13 को काउंट में नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग। तो इसी के खिलाफ जब दोबारा से केस होता है तो 19 हम देखेंगे 73 में केशवानंद भारती केस आएगा, और ये केशवानंद भारती केस में हम क्या बोलेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व होता है, बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड आता है। यहाँ पे क्या आया था गोलकनाथ में, बेसिक पार्ट, यहाँ पे आएगा बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जन्म दिया, किसको दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये हमें इवोल्यूशन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उस टाइम पे
कौन था गवर्नमेंट में? इंदिरा गांधी थी, 73 में इंदिरा गांधी थी। अब हुआ क्या, इंटरनल इमरजेंसी लगती है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, 1977 तक, 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक इंटरनल इमरजेंसी लगती है। और इसी इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946। इसी अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे बदलाव किए थे कि अकेले इस अमेंडमेंट एक्ट को ले लो और हम कॉन्स्टिट्यूशन को ले लो तो आपको लगेगा कि एक पूरा नया कॉन्स्टिट्यूशन इसने लिख दिया। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम इसी को बोलते हैं। अब हुआ क्या, इंटरनल इमरजेंसी आई, इंदिरा गांधी को दिखाई दिया कि केशवानंद भारती केस में अब पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती है। अब की बार क्या करेगी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट? पहले उसने आर्टिकल 13 चेंज किया था, अब फिर से इस अमेंडमेंट एक्ट में इस बार उसने आर्टिकल 368 को ही चेंज कर दिया। अब उसने आर्टिकल 368 को ही चेंज कर दिया, पहले 13 में चेंज करके कोशिश की थी, अब बोला कि नहीं 368 ही चेंज करो। और उसमें बोला कि नो अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, कि कोई भी अमेंडमेंट अगर कोई भी अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट करती है उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 368 ही चेंज होगा, अब क्या होगा? फिर से जब ऐसा कुछ होगा कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980, और मिनर्वा मिल्स केस में उन्होंने बोला था कि थोड़े दिन पहले तुम्हें बताया गया था कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आप उसे चेंज नहीं कर सकते, आप फिर से बेसिक स्ट्रक्चर पे हाथ डाल रहे हो। और उसी बेसिक स्ट्रक्चर का हवाला देते हुए इस अमेंडमेंट एक्ट को, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के इस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया कि ये वैलिड नहीं है, इसको काट दिया गया मिनेरवा मिल्स केस में। और यहाँ पे मिनेरवा मिल्स केस में एक लाइन जरूर बोली गई थी और वो लाइन पूरी पॉलिटी में आपको मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा। इन्होंने क्या बोला कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, चाहे कुछ भी है इंडिया में जुडिशियल रिव्यू में आएगा, यानी किसी को भी आप सुप्रीम कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, ये मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा। इसीलिए इस केस को बोला जाता है, इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इवॉल्व किया, इसने और बहुत सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाल दी कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये भी होता है, उसको भी देखेंगे क्या होता है। अब हुआ क्या, इतने सारे इश्यूज चल रहे थे 13 और 368 की लड़ाई में, हम एक चीज भूले जा रहे थे, हम एक चीज भूले जा रहे थे, कौन सी चीज? जो हमने फर्स्ट अमेंडमेंट में की थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। क्या हुआ था? इसमें 9th शेड्यूल हमने डाला था और हमने बोला था कि इस शेड्यूल के अंदर आप कुछ भी डाल दो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, बोला था हमने, थोड़ी देर पहले बताई थी। अब हमारी 13 368 की लड़ाई चल रही है, उसमें हम इसको भूले बैठे थे। अब अचानक से किसी को याद आता है कि ये तो अभी बचा हुआ है, ये तो बचा हुआ है, यानी कि इसके बाद कुछ भी पार्लियामेंट अमेंड कर रही थी इसमें डाल देती थी, सुप्रीम कोर्ट क्या करे, कुछ हो ही नहीं पा रहा क्योंकि इसको तो बस इसमें रिव्यू कर ही नहीं सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को बेसिक स्ट्रक्चर ने पावर दे दी कि कुछ भी अमेंडमेंट होता है तो जुडिशियल रिव्यू के अंडर है, लेकिन यहाँ पे जो भी इसमें डाल दिया वो तो सुप्रीम कोर्ट से बच जाएगा, वो तो कोर्ट से ही बच जाएगा, जुडिशियरी से बच जाएगा। तो पार्लियामेंट वालों की आदत होगी कि कुछ भी अमेंड करो इसमें डाल दो ताकि सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचे कोई। तब होगा क्या, अब हम फिर इस पे फटने वाला था, 9th शेड्यूल पे फटने वाला था। तो इसके लिए केस होता है 2007 में और उसको नाम जाना जाता है आईआर कोयलो केस। किस नाम से जाना जाता है? आईआर कोयलो केस। और इसमें बोला जाता है कि एनी लॉ इन 9th शेड्यूल इज ऑल्सो अंडर जुडिशियल रिव्यू। क्यों है? क्योंकि मिनर्वा मिल्स केस में बोला था एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, चाहे वो 9th शेड्यूल ही क्यों ना हो, ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर है। तो इसने इसको समझाया कि ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, आपको क्यों नहीं ये समझ में आता? तो यहाँ पे बोला एवरीथिंग इज अंडर इज एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर
जुडिशियल रिव्यू, तो 9 शेड्यूल भी अंडर जुडिशियल रिव्यू है। लेकिन आईआर कोयलो केस में एक चीज इन्होंने क्लियर कर दी कि ये कब से जुडिशियल रिव्यू के अंडर है, जब से केशवानंद भारती केस आया है, यानी कि 24 अप्रैल 1973। ये 24 अप्रैल 1973 है, इससे पहले के जो केस हैं, क्योंकि इससे पहले बेसिक स्ट्रक्चर किसी को पता नहीं था क्या होता है, तो इससे पहले के जो केस हैं उनको हम जुडिशियल रिव्यू से माफ़ी देते हैं, वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं रहेंगे। लेकिन जब हमें पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना है, आपने इस डेट के बाद फिर भी किया होगा तो आपने गलती की है जानबूझ के, तो यानी कि इस डेट के बाद अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो वो जो है बेसिकली क्या रहेगा, जुडिशियल रिव्यू के अंडर रहेगा। यानी कि आपने इस डेट के बाद जो भी इसके अंदर डाला होगा 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी 9 शेड्यूल में डाला होगा, हम उसे जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो ये हमारा क्या कहेंगे कि आफ्टर दिस डेट 9 शेड्यूल भी अंडर जुडिशियल रिव्यू रहेगा, यानी अब ये भी नहीं बचा रहेगा। इतनी सारी चीज़ें आपने सीखी इस बारे में कि कैसे कैसे डेवलप हुआ। अब हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में कितनी सारी चीज़ें, ये तो मैंने छोटी सी लिस्ट डाली लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, चाह के भी इसे अमेंड नहीं कर सकते सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, क्यों, बेसिक स्ट्रक्चर है, हमने बोला हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते हो। रूल ऑफ लॉ नहीं चेंज करना है, बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 51 नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन प्रीएम्बल, क्या सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑब्जेक्टिव्स है, नहीं चेंज कर सकते, क्यों, क्योंकि वो हमारे फोर फादर्स की सोच थी इंडिया वैसा बनाना हमें, तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते। जुडिशियल रिव्यू यानी कि खुद आर्टिकल 13, आप इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, यानी आप चाह के भी पार्लियामेंट जुडिशियल रिव्यू को चेंज नहीं कर सकते, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरलिज्म, आप फेडरलिज्म को अफेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल लिबर्टी ऑफ स्टेट्स भी आ जाती है अंडर आर्टिकल 282 और 293, तो फेडरलिज्म आप चेंज नहीं कर सकते। सेक्युलरिज्म एक ऑब्जेक्टिव है प्रीएम्बल का, नहीं कर सकते, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स जो प्रीएम्बल में दिए गए हैं, नहीं कर सकते आप इसे चेंज, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर हैं। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल नहीं कर सकते, क्यों, बेसिक स्ट्रक्चर में है। सुप्रीम कोर्ट अभी भी इवॉल्व हो रहा है, हर केस के साथ कुछ ना कुछ डाल देता है सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर में कि ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए ये एक डिफाइंड नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है, अभी भी इसमें और चीज़ें डलती जा रही हैं, और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती जा रही हैं। तो यहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बेसिक स्ट्रक्चर है, आप नहीं चेंज कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ बेसिकली हम कहें फंडामेंटल राइट्स का जो एसेंस है, फंडामेंटल राइट को आप चेंज कर सकते हो लेकिन उसके एसेंस को नहीं चेंज कर सकते, उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर है, खुद फंडामेंटल राइट इज नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर, उसके प्रिंसिपल्स बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट अमेंड किए जा सकते हैं बशर्ते वो उसके एसेंस को ना छेड़ रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर को ना छेड़ रहे हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, वेलफेयर स्टेट बनाने की जो पार्ट 4 में बात की गई है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीज के बीच में जो बैलेंस है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर है, नहीं चेंज कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बेसिक स्ट्रक्चर। लिमिटेशन अपॉन अमेंडिंग पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 368 बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, एफेक्टिव एसेस टू जस्टिस आर्टिकल 32 एंड 226, जहां पे रिट इशुइंग पावर है वो सब बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। लेजिस्लेशन सीकिंग नलीफाई द अवार्ड्स मेड इन एक्सरसाइज ऑफ जुडिशियल पावर ऑफ स्टेट बाय आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन अंडर एन एक्ट, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हम अभी भी डालते जा रहे हैं, तो ये सारा चीज़ हमने देखा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक दो क्वेश्चन हम हमेशा डालते रहते हैं ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस पता लगती रहे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड
द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है उसको लिमिट किया था। तो आंसर दीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया होगा कि फर्स्ट टाइम गोलकनाथ केस में बोला गया था, जिसमें बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक पार्ट और बेसिक पार्ट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय आर्टिकल 368 या फिर पार्लियामेंट। तो ये फर्स्ट टाइम गोलकनाथ केस में बोला गया था, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनशिएट द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन कौन से केस में आई थी। तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। बिल्कुल आपने इसका सही अंदाजा इसमें लगाया होगा कि केशवानंदा भारती केस जो 1973, क्या डेट थी, 24 अप्रैल 1973। तो इस डेट में ये हमारा केस सॉल्व हुआ था। इसी के साथ आज का बेसिक स्ट्रक्चर का लेक्चर था। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इससे एसोसिएटेड जितने इश्यूज थे वो आपने समझे होंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।